हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कांदा का कुरकुरी भजिया बनाना शेयर करती हूँ। बिल्कुल क्रिस्पी और बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होगा। देखिए कितना कुरकुरी बन के तैयार हुआ है। इस तरह का भजिया बनाने के लिए एक बड़ा सा बॉल लेते हैं, उसके अंदर चॉप किया हुआ प्याज डालते हैं, कांदा डालते हैं। बहुत मोटा मोटा सा ही चॉप करना है, ज़्यादा पतला चॉप नहीं करना है। और एक मिर्ची हम इसमें चॉप किया हुआ डाल रहे हैं, हरी मिर्च 1 टीस्पून, कसूरी मेथी डाल रहे हैं। एक बॉल, छोटा सा बॉल से हम बेसन डाले हैं जो 100 ग्राम की मात्रा में है। स्वादानुसार नमक डालते हैं, काली मिर्ची पाउडर 1/2 टीस्पून से कम डालते हैं, 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालते हैं, 1/2 टीस्पून मिर्ची पाउडर डाल रहे हैं और 1/2 टीस्पून ही हम हल्दी पाउडर डालते हैं, 1 टीस्पून हम अदरक और लहसुन कूटा हुआ डाल रहे हैं। आप अपने हिसाब से इस लहसुन और अदरक को डालिए अगर आपको पसंद है तो। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक गाढ़ा सा बैटर तैयार करना है हमें, बहुत पतला सा तैयार नहीं करना है, एकदम गाढ़ा सा तैयार करना है जो आराम से हाथ से उठ सके। हाथ से उठेगा तो इसे हमें तलने में आसानी होगा, चम्मच से डालना नहीं पड़ेगा, हमारा भजिया बहुत ही कुरकुरा बन के तैयार होगा। अब इसमें हम थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाल रहे हैं, 1/2 टीस्पून के करीब। 1/2 टीस्पून इसमें हम सौंफ डाल रहे हैं, साबुत धनिया का बीज डाल रहे हैं 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून ही हम इसमें अजवाइन डाल रहे हैं। अब इन सब चीज़ों को भी मिक्स करके और इस तरह का डो तैयार कर लेते हैं। अब इस तरह से हाथ से उठाते हैं, तेल जब हमारा बिल्कुल गर्म हो जाए हाई फ्लेम पे, फिर इस तरह से छोटा छोटा पीस करके डालते हैं। बड़ा पीस हमें नहीं डालना है, बिल्कुल छोटा छोटा सा डालेंगे तो हमारा भजिया एकदम कुरकुरा तैयार होगा, बहुत ही क्रिस्पी तैयार होगा। एक बार हाई फ्लेम पे इसे डाल लेंगे, उसके बाद मीडियम फ्लेम पे करके इसे कुरकुरा होने तक हम इसे उल्टा पुल्टा करके आराम से पकाएंगे। जिस तरह से सब्जी चलाते हैं बिल्कुल उसी स्टाइल में इसे चलाना है और आराम से इसे कुरकुरा बनाना है। देखिए बिल्कुल इस तरह से चलाना है, बहुत ईजली ये इस तरह से उल्टा पुल्टा होता है और हर तरफ से ये कुरकुरा बन के तैयार होता है और बहुत ही बढ़िया सा भजिया बन के तैयार होता है। और प्याज की भजिया जब कुरकुरी होती है तभी टेस्टी लगती है, चाय के साथ मज़ा आता है इसे खाने में। आप इसे इस तरह से बनाइए, बहुत ईजी तरीका है इसे बनाने का। अब देखिए तैयार हो गया, इसे निकाल लेते हैं और बस इसे निकालिए और चाय के साथ एंजॉय कीजिए, बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी भजिया। आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।